गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन को शुरू किया था। देखिए, मुर्गी पालन जो हमारा पेपर थर्ड की पहली यूनिट है, इसमें हमें मुर्गी की प्रजातियां किस प्रकार वो संकरण करती है, क्या क्या उनके उत्पाद होते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कल हमने हमारी जो क्लास में ये टॉपिक शुरू किया था वह था मुर्गे या मुर्गी की प्रजातियां। अर्थात विश्व में हम जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पर इनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें कल हमने हमारी क्लास में सबसे पहले अमेरिकन नस्ल को पढ़ा था। उसमें हमने चार सब टाइप्स बताई थी, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की नस्ल पाई जाती है, इसीलिए हमने कॉमनली मुख्य नस्लों को पढ़ा था। उसके पश्चात हमने एशिया महाद्वीप में जो पाई जाने वाली मुर्गे की प्रजातियां थी उसके बारे में पढ़ा था, और आज हमारा थर्ड जो टाइप है वह है इंग्लिश वर्ग, अर्थात इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्रों में जो भी नस्ल पाई जाती है उसको इंग्लिश वर्ग में सम्मिलित किया गया है। देखिए, इस वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, और इसके जो अंडे होते हैं, देखिए हमने सामान्यतः दो प्रकार के अंडों के रंग देखे होंगे, एक कॉमनली हम सफेद देखते हैं जबकि कुछ अंडे भूरे रंग के होते हैं। अब जो इंग्लिश वर्ग है, इसके मुर्गियों के जो अंडे होते हैं उनका रंग हमेशा भूरा होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश वर्ग का कहने का क्या मतलब है कि इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, तो अब कहने का क्या मतलब है, इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, वह इनके अंडों का रंग भूरा होता है, इनके अंडों का रंग भूरा होता है, और इस वर्ग को, ध्यान रखिए, इस वर्ग को छह प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की नस्ल पाई जाती है, इसीलिए इस वर्ग को छह प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। तो कहने का मतलब इस वर्ग को छह भागों में विभाजित किया जाता है। अब एक ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ग है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब वहां कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छह ही प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, वैसे तो मुर्गी की कम से कम 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। अब ऐसी कॉमनली मुर्गियों को हमारे कोर्स में सम्मिलित किया गया है जो क्या है, अधिकतर स्थानों में पाई जाती है, उन्हीं प्रजातियों को हमारे कोर्स में सम्मिलित किया गया है, इसीलिए हम छह टाइप के ही बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे जो पहला टाइप होता है वह होता है ससेकस। सबसे पहला टाइप होता है वो होता है ससेकस। देखिए मुर्गी की जो प्रजातियां होती है उसमें रंगों का वितरण, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, उनमें रंगों का वितरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उनके जो पंख होते हैं या उनके शरीर का जो सामान्य रंग होता है, जैसे सफेद हो गया, काला हो गया, या कोई और रंग है भूरा है, उसके आधार पे होता है। एक इनका जो वर्गीकरण होता है वो पक्षिती के आधार पे, अर्थात जो इनकी कलगी होती है, जिनको हम कलगी कहते हैं, वो उस कलगी का कैसा रंग है, अर्थात कुछ में कलगी भूरे रंग की होती है, कुछ में कलगी अलग रंग की होगी, तो उसके आधार पे इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रजाति है उसमें रंगों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाएगा, पहला तो है पंख है जो उनमें रंग कैसा है, और दूसरा है कलगी के आधार पे।
तो अपन को अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के रंगों के आधार पर पढ़ना है। तो देखिए सस्यक सिरस की विशेषता क्या है कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति है वह इंग्लैंड से हुई है, ध्यान रखिएगा इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। और यह जो मुर्गी है इसे मीट और अंडे अर्थात मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। और इसके जो सामान्यता होती है जो दो प्रजातियां सबसे ज्यादा इंग्लैंड में पाई जाती है, एक होती है लाइट ससेकस अर्थात हल्के रंग की और एक होती है रेड ससेकस अर्थात लाल रंग की। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रजाति ससेकस की जो उत्पत्ति है वह क्या है, वह इंग्लैंड से हुई है। तो देखिए ससेकस में अपन को क्या लिखना है कि एक तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। सेकंड क्या है, इसको मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की कुछ स्थानों में क्या है जहां बर्फ पड़ती है वहां पर इनको सबसे ज्यादा पाला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बर्फ के अंदर मांस काफी समय तक सुरक्षित रह जाता है, इसीलिए इनके मांस व अंडे को दोनों को पाला जाता है। और ध्यान रखिएगा पहले बता चुका हूं इंग्लिश वर्ग के जो अंडे होते हैं अर्थात ससेकस के जो अंडे होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं और प्रोटीन युक्त होते हैं। तो मैं क्या सब पहला पॉइंट क्या है, इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। सबसे पहला कॉमन पॉइंट, क्योंकि इंग्लिश वर्ग है तो उत्पत्ति भी कहां हुई है, इंग्लैंड से। दूसरा, इन्हें मांस एवं अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, अर्थात इस जो मुर्गी की नस्ल है मुर्गे और मुर्गी की, इनसे मांस व अंडे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी दो मुख्य प्रजातियां होती है जिसमें पहली जो प्रजाति होती है अर्थात उनके पंख के रंग को देखकर कहा जाता है कि रेड ससेकस, दूसरी होती है लाइट ससेकस अर्थात हल्के रंग की है, उसको हम कहते हैं लाइट ससेकस, ससेकस नस्ल है। और दूसरी कौन सी है, रेड ससेकस। तो पहली प्रजाति है वह है रेड ससेकस और सेकंड जो है वह है लाइट ससेकस। ये इनकी दो प्रजातियां होती है। और लास्ट, इनके जो अंडे होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं इनके अंडे भूरे रंग के होते हैं। तो ये हमने इंग्लिश वर्ग में सबसे पहला टाइप पढ़ लिया कि इनकी ससेकस की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। और नेक्स्ट, इनकी दो प्रजातियां होती है रेड ससेकस और लाइट ससेकस। नेक्स्ट, इनके अंडे जो होते हैं वह कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। तो हमने पहली प्रजाति पढ़ ली ससेकस। सेकेंड जो प्रजाति होती है वह होती है ऑर्पिंगटन, ध्यान रखिएगा ऑर्पिंगटन नाम अपन को स्पष्ट याद रखने हैं। और पिंगटन, देखिए जो सेकंड प्रजाति है वह है और पिंगटन। देखिए इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड के केंट नामक जगह से हुई है, ध्यान रखिए इंग्लैंड में एक जगह है केंट, वहां से इस नस्ल की क्या है उत्पत्ति हुई है। इसका उपयोग भी अंडे और मांस दोनों में किया जाता है, तो ध्यान रखिए इसका उपयोग भी अंडे और मांस क्या है दोनों में किया जाता है। और थर्ड जो पॉइंट है कि इन्हें रंगों के आधार पर अर्थात जो पंख के रंग है उनके आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा जाता है, व्हाइट ब्लैक ब्लू और लगभग ब्राउन कलर। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड के केंट नामक स्थान से हुई है।
पहला पॉइंट है इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड के कैंट नामक स्थान से हुई है। नेक्स्ट इन्हें भी क्या है, मांस व अंडे, इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, जो कॉमन पॉइंट है, इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट जो कॉमन पॉइंट क्या है कि इनके अंडे क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता कॉमन है। और नेक्स्ट इनकी मुख्यतः रंग के आधार पर इन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता है। रंग के आधार पर इन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता था। इनकी जो पंख के रंग है उनके आधार पर इन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है व्हाइट कलर, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लू, चौथा ब्राउन। तो सबसे पहला कलर कौन सा है, सफेद, दूसरा काला, थर्ड भूरा और चौथा नीला। तो ये हमारी सेकंड जो प्रजाति थी वह थी ऑर्पिंगटन। थर्ड है ऑस्ट्रेलॉर्प। थर्ड जो प्रजाति है इंग्लिश वर्ग की वह क्या है, ऑस्ट्रेलॉर्प। अब देखिए आपने इसका नाम देखा होगा ऑस्ट्रेलॉर्प। अब देखिए ऑस्ट्रे अगर मैं नाम पढूं तो मुझे ऑस्ट्रेलिया शब्द बनता दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस मुर्गी की जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई है, लेकिन मांस और अंडों के लिए इसको इंग्लैंड लाके पाला जाता था, क्योंकि इंग्लिश लोगों की विशेषता होती थी कि वह अलग अलग प्रकार के मांस या अंडे उनको स्वाद के अनुसार खाते थे। तो कहने का मतलब इस वर्ग की जो ऑस्ट्रेलोलॉप है, इस नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है वह ऑस्ट्रेलिया से हुई है, और ऑस्ट्रेलिया में होने के बाद इसे इंग्लैंड लाया गया है और फिर इन्हें पाला गया है। और सामान्यतः यह जो प्रजाति होती है यह नम और अधिक वर्षा वाले अर्थात ऐसे स्थानों पर जहां नमी हो और बरसात ज्यादा हो वहीं ये पाले जाते हैं। अर्थात इस जो जीव होते हैं यह तेज गर्मी में नहीं रह सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी विशेषता इसकी कि ये जो जीव है वह तेज गर्मी में नहीं रह सकते, इसके लिए इन्हें सामान्यतः ठंडे या बरसाती इलाकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इन्हें भी क्या होता है, मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, इनकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई है। लेकिन व्यवसाय और शौक के लिए इनको क्या किया गया, इंग्लैंड लाया गया और फिर संकरण करा के क्या किया गया, इनको क्या किया गया, विकसित किया गया। अब नेक्स्ट क्या है, यह सामान्यतः नम वह बरसात वाले स्थानों पर ही पाए जाती है। अर्थात यह जो नस्ल है वह बरसात और नम दोनों स्थानों पर ही पाए जाएंगे, और जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां ये नहीं पाए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्या है कि कॉमन पॉइंट है कि इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। तो ये हमारा तीसरा जो टाइप था ऑस्ट्रेलॉप, वापस रिवाइज कर रहा हूं, इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया से हुई है, सामान्यतः नम और बरसात वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, और इन्हें मांस व अंडे दोनों के लिए इन्हें पाला जाता है। अब देखिए चौथा जो टाइप है वह है हमारा कॉर्निस। हमारा चौथा टाइप है इंग्लिश वर्ग का।
चौथा हमारा जो टाइप है वह है कॉर्निश। देखिए कॉर्निश, हम जानते हैं कि अगर एक ही प्रजाति में बार बार संकरण कराया जाता है तो होता क्या है कि उस जो नस्ल होती है उनकी जो क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अर्थात एक ही प्रजाति के सदस्यों में, अर्थात एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो सदस्य है उनका जब बार बार अपन प्रजनन कराएंगे, बार बार उनसे जब बच्चे अर्थात मांस और अंडे अपन दोनों प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होता है कि वह नस्ल धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अर्थात ना तो उनसे अच्छी गुणवत्ता का मांस प्राप्त किया जा सकता है, ना ही उस नस्ल के जो अंडे होंगे वह क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब इस कंडीशन को दूर करने के लिए कई बार क्या करते हैं लोग, अलग अलग नस्लों की अर्थात अलग अलग स्थानों की मुर्गे और मुर्गियों का, अर्थात एक स्थान के मुर्गा ले लिया, दूसरे स्थान की मुर्गी लेकर उनका क्रॉस संकरण कराते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उनका क्रॉस संकरण कराते हैं। अब देखिए उनमें क्या फायदा होता है कि जब दो अलग अलग नस्लों की मुर्गे और मुर्गियों का संकरण कराया जाता है, जो इससे नस्ल पैदा होती है उसमें क्या होते हैं, दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। अर्थात किसी नस्ल में अंडे देने की कैपेसिटी ज्यादा है और किसी में मांस की ज्यादा है, तो जो अब पैदा हो रही नस्ल है उसमें दोनों के ही गुण मिश्रित रूप से होते हैं। तो कॉर्निश ऐसा ही एक उदाहरण है। कॉर्निश में क्या किया गया कि अलग अलग नस्लों को, अलग अलग नस्ल जो होती है उनका एक आपस में संकरण कराया जाता है और आपस में संकरण करा के इनको क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है। अब देखिए इसका जो उपयोग होता है वो विशेष तौर से व्यापार के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए जब अलग अलग नस्लों का संकरण करा के किसी प्रजाति का निर्माण किया जा रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा क्या होगा, व्यवसाय होगा। और व्यवसाय का मतलब इनसे केवल मांस और अंडे ही प्राप्त करना होता है, इनका दूसरा कोई कार्य नहीं होता। तो नेक्स्ट क्या है कि इनकी उत्पत्ति भी इंग्लैंड से हुई है। और इंग्लैंड से भी कैसे की है, मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉस संकरण द्वारा, अर्थात अलग अलग प्रजाति के सदस्यों के मध्य संकरण करा के इनको पैदा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, इन्हें क्रॉस संकरण द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन्हें जो पैदा करने का उद्देश्य है वो क्या है, वो व्यवसाय की है, अर्थात व्यवसाय के लिए इनका निर्माण किया जा रहा है। और इनसे भी क्या होता है, मांस और अंडे अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त किए जाते हैं और इनके अंडे आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि जितना आकार में अच्छा अंडा होगा बड़ा है उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी ही इसमें ज्यादा होती है। तो इनसे मांस और अंडे प्राप्त किए जाते हैं, मांस स्वादिष्ट होता है और अंडे में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्या है, इनसे मांस एवं अंडे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। तो नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमने चौथा जो टाइप पढ़ा कॉर्निश, क्या कहा कि इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, इन्हें क्रॉस संकरण द्वारा पैदा किया जाता है, इनसे मांस और अंडे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए चौथा जो टाइप है हमारा, वो पांचवा जो टाइप है वह है डॉर्किंग। पांचवा जो टाइप है हमारा डॉर्किंग है, यह भी क्या है कि यह जो नस्ल होती है वह सामान्यतः इंग्लैंड से ही उत्पन्न हुई है। और इन्हें भी क्या है, इन्हें भी सामान्यतः क्या है कि मांस और अंडों के लिए पाला जाता है। और इनके भी दो रंग मुख्य होते हैं, एक तो होता है रेड और एक लाइट। हमने ससेक्स में पढ़ा था प्रजाति के अंदर, तो इनमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है, एक होती है रेड एक होती है लाइट। तो रेड डॉर्किंग लाइट डॉर्किंग, और इनकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। इनके अंडे भी क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और इन्हें मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट, इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है, नेक्स्ट इन्हें इनका जो रंग होता है वह सामान्यतः दो प्रकार का होता है,
दो प्रकार का, पहला कौन सा? पहला तो हो गया रेड, सेकंड है लाइट। थर्ड, इन्हें भी क्या है, मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है, इन्हें भी मांस व अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। तो पांचों जो टाइप है डॉर्किंग, तो कहने का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति भी इंग्लैंड से हुई है, इनका रंग होता है रेड और लाइट, अब इन्हें भी मांस और अंडे, और ध्यान रखिएगा सब में एक कॉमन पॉइंट आपको लिखना ही है कि इनके अंडे जो होते हैं वह कैसे हैं, भूरे रंग के, और सबसे लास्ट जो है वह है रेड कैप, लास्ट पांच छठा टाइप है वह है रेड कैप। छठा जो टाइप है वह है रेड कैप। अब देखिए कैप का जो अर्थ होता है वह अपन एक सामान्य भाषा में कहते हैं टोपी, वैसे ही मुर्गों में क्या होती है, कलगी होती है, आपने देखा होगा मुर्गे के ऊपर कलगी टाइप होती है, तो उस कलगी का जो रंग होता है वह लगभग लाल रंग के समान होता है, इसीलिए इसको रेड कैप प्रजाति कहते हैं, अर्थात जो मुर्गे की जो कलगी होती है वह कैसे रंग की होती है, वह लाल रंग की होती है, क्योंकि कलगी एक टोपी के समान होती है, इसीलिए इस प्रजाति को रेड कैप कहा जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति भी कॉमन पॉइंट है, इंग्लैंड से हुई है, और इन्हें भी क्या है, मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। तो अभी हमने टोटल 6 प्रजातियों को पढ़ा है, अर्थात इंग्लिश वर्ग की 6 प्रजातियों को अभी हमने पढ़ा है। अब हमारा जो लास्ट चौथा टॉपिक है वह है मेडिटेरियन नस्ल, अर्थात मेडिटेरियन जो वर्ग है, क्योंकि हमने अमेरिकन पढ़ लिया, एशिया पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, और चौथा है मेडिटेरियन। जो हमारा चौथा टाइप है वह है मेडिटेरियन वर्ग। अब देखिए इसकी उत्पत्ति जो है वह यूरोपियन, अर्थात यूरोप के जो आसपास के देशों हैं उससे हुई है। तो सबसे कॉमन पॉइंट क्या है, इसकी उत्पत्ति यूरोपियन देशों से हुई है। यह मध्यम आकार के, अर्थात इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है, वह मध्यम होता है, अर्थात ये मध्यम आकार के पक्षी होते हैं। इनका वजन केवल 4 किलो होता है, और इनके क्या होता है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस प्रजाति का जो वजन है 4 किलो, और सबसे बड़ा जो फायदा है कि इनको कम भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए जब भी जो व्यक्ति मुर्गी पालन करता है तो मुर्गी पालन में क्या होता है कि जिन मुर्गियों को ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मुर्गी पालन का जो व्यवसाय कर रहा है उसको अधिक व्यय करना पड़ता है भोजन के लिए। तो ये जो मेडिटेरियन नस्ल होती है इसमें जो मुर्गी और मुर्गियां होती है इनको सबसे बड़ी क्या है, एक तो इनका आकार मध्यम है, अंडे इनके देखिए एक चेंज ध्यान रखना सिर्फ इसी में चौथे टाइप में कि इनके अंडे कैसे हैं, सफेद रंग के हैं, इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है, और कम भोजन की आवश्यकता के कारण इनका व्यापार क्या होता है, फायदे अर्थात मुनाफे का होता है, अर्थात इनके व्यापार से क्या होता है कम समय में ही अधिक मुनाफा कमाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी जो मुख्य तकिती 3 प्रजातियां इसकी मुख्य होती है। तो पहला सबसे पहला कॉमन पॉइंट क्या है, इसकी उत्पत्ति यूरोपियन देश अर्थात यूरोप के पास स्थित जो देश है उनसे हुई है। इसकी उत्पत्ति यूरोपीय देशों से हुई है, यूरोपीय देशों से हुई है। सेकंड, यह मध्यम आकार का जीव होता है, इनका आकार मध्यम होता है। इनका आकार मध्यम होता है। नेक्स्ट, इनका कुल वजन अर्थात पूरे पक्षी का जो कुल वजन है वो कितना लगभग, वो लगभग 4 किलो के करीब होता है। तो इनका कुल वजन, ये अभी एक कॉमन पॉइंट पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद इसकी 3 प्रजातियां और है, तो इनका कुल वजन
चार किलो तक होता है। नेक्स्ट, इनके अंडे सफेद रंग के होते हैं। और सबसे बड़ा जो व्यापारिक पॉइंट होता है कि इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनसे क्या होता है, कम भोजन लेने के कारण इनसे जो मुनाफा होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। और कॉमन पॉइंट बता रहा हूं, कम भोजन की आवश्यकता है तो सामान्यतः क्या है कि इनसे क्या होगा, हमेशा मुनाफा होगा। और मेडिटेरियन वर्ग है, इनको मुख्यतः तीन नस्लों में पाला विभाजित किया जाता है, तीन नस्लों में, जिसमें सबसे पहला क्या है जो सामान्य होती है, वह होती है लेग हॉर्न नस्ल। इन्हें तीन भागों में विभाजित किया, सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट है वह है लेग हॉर्न। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, यूरोपियन देश इटली से। तो लेग हॉर्न की जो उत्पत्ति हुई है वह क्या है, वह इटली से हुई है। और इसके तीन सामान्य प्रकार होते हैं, एक तो होता है व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन। तो इसमें हम इन्हें भी क्या है, मांस और अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति इटली से हुई है, कॉमन पॉइंट इटली से हुई है। सेकंड, इन्हें मांस एवं अंडे दोनों के लिए पाला जाता है। और इसकी तीन कॉमन प्रजातियां होती है, तीन रंग के आधार पे होता है, एक होता है व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन। तो ये हमने सबसे पहला कौन सा टाइप पढ़ा, लेग हॉर्न। दूसरी है मिनोर्का, सेकंड जो नस्ल होती है वह है मिनोर्का। मिनोर्का ध्यान रखिएगा, स्पेन की सबसे फेमस नस्ल है। सेकंड जो टाइप है वह है मिनोर्का। अब देखिए मिनोर्का की जो उत्पत्ति है वह स्पेन से हुई है। और इनका क्या होता है, सबसे बड़ी क्या होता है, इनका जो पंख होते हैं वह सामान्यतः सफेद रंग के, काले रंग के होते हैं। और सबसे बड़ी क्या होता है, इससे उच्च गुणवत्ता का मांस प्राप्त किया जाता है। अर्थात इन्हें मांस के लिए सबसे ज्यादा स्पेन के लोग इन्हीं पर निर्भर होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कॉमन एक उनका भोजन है। और स्पेन के जो लोग हैं सबसे ज्यादा मिनोर्का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट मानी जाती है और वहां पर एक कॉमन व्यंजन है। तो कहने मतलब इसकी उत्पत्ति स्पेन से हुई है, इसकी उत्पत्ति स्पेन से हुई है। और सामान्यतः ये क्या है, दो रंग सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, एक तो होता है सफेद, सेकंड होता है काला। और कॉमन पॉइंट, इन्हें मांस के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा पाला जाता है। और तीसरा जो प्रजा होता है वह होता है एकोना। देखिए एकोना क्या है, तीसरी नस्ल है एकोना। मेडिटेरियन में तीसरी नस्ल जो है वह है एकोना। अब देखिए एकोना रियल में इटली के पास स्थित एक जगह है एकोना, वहां से इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो रंग होता है पंख का वह हमेशा क्या होता है, सफेद होता है। और यह सामान्य है, इनसे मांस और अंडे दोनों प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब इसकी उत्पत्ति इटली के एकोना नामक जगह से हुई है, और इनका जो रंग होता है वह सामान्यतः क्या होता है, सफेद ही होता है। और लास्ट कॉमन पॉइंट, इन्हें मांस एवं अंडे दोनों के लिए
क्या होता है, पाला जाता है। तो इसके साथ ही आज हमने हमारे 1.5 का जो प्रश्न आता है कि मुर्गे की जो प्रजातियां होती है, कौन कौन सी प्रजातियां होती है मुर्गे और मुर्गी की, और इनके नाम और इनका वर्गीकरण कैसे है, उसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो हमने देखा कि इनमें 4 मुख्य नस्ल होती है, वर्ग होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमने वर्ग पढ़ा था अमेरिकन, सेकेंड हमने पढ़ा था एशियाटिक, थर्ड था इंग्लैंड और चौथा था मेडिटेरियन। तो इसी के साथ हमारा 1.5 का प्रश्न आज पूरा होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।